बीते दिन किसान आंदोलन के दौरान की गई हिंसा के बारे में एसपी दीपक सारन ने बताया कि जिले में आंदोलन पर कड़ी नजर रखते हुए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं और सभी थाना क्षेत्रों में पेट्रोलिंग पार्टियां बनाई गई हैं और संवेदनशील जगहों पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। एसपी ने बताया कि शुक्रवार की घटना के बाद शनिवार को थाना क्षेत्रों में शो ऑफ फोर्स निकाला गया है और किसानों को स्पष्ट हिदायतें दी गई हैं कि आंदोलन के दौरान हिंसा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस की तरफ से हमारी सभी जगह पे पेट्रोलिंग लगाई गई हैं और कंपनियां हमने ऑलरेडी फॉर्म की हुई हैं, वो सभी गजेटेड ऑफिसर्स के साथ तैनात की गई हैं। पूरे अपने एरिया में गश्त की जा रही है तथा जहां पर भी हमारे एरिया में किसानों ने अपने शिविर लगाए हैं उनको समझाया गया है कि अगर वो हिंसा करेंगे तो उनके साथ बहुत सख्ती से पेश है। अभी तक टोटल 2 FIR दर्ज हुई हैं, एक सिटी फतेहाबाद में जिसके अंदर की 30 के करीब व्यक्तियों का बताया गया था कि वो सम्मिलित थे, 7 व्यक्ति अरेस्ट कर लिए गए हैं। दूसरी धंगड़ की है जिसमें 15 से 20 व्यक्तियों का था जिसमें 2 व्यक्ति अरेस्ट कर लिए गए हैं। रेड व धरपकड़ जारी है। एक तीसरी आज सुबह की घटना है जिसमें कि एक दूधिए का दूध गिराया गया बताया है, उसके अंदर हम अभी FIR दर्ज कर रहे हैं और FIR दर्ज होने के पश्चात जल्द ही आज ही उसके अंदर दोषियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मेरे पास किसान आंदोलन के लीडर हैं विकल्प पचार, उनसे मैंने विचार विमर्श किया है तथा उनको हिदायत दी है कि इस आंदोलन में किसी भी प्रकार से किसी हिंसा का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, अन्यथा बेहद सख्त कार्रवाई की जाएगी व दोषी को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। किसानों की ये मांग थी कि जो मुकदमे दर्ज हुए हैं वो मुकदमे वापस लिए। तरफ से जो मुकदमे दर्ज हैं उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है और उनको ये क्लियर कर दिया गया है कि कोई भी किसी तरह से हिंसा में संलिप्त हुआ तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, जिसमें कि उनने हमें आश्वासन दिया है कि वो अपनी टीमों को साथ लगा कर ये इंश्योर करेंगे कि हिंसा किसी भी तरह से इस मामले में ना होने पाए। पुलिस की कार्रवाई और किसानों के केस वापस लेने की कोशिशों के बीच फतेहाबाद में फिर से एक घटना सामने आई जिसमें कुछ किसानों ने दूध वाले का दूध जानबूझकर सड़क पर फेंक दिया और दूध वाले को पीटने का प्रयास किया। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिस पर एसपी ने तुरंत संज्ञान लेते हुए संबंधित थाना को केस दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के आदेश दिए। पत्रकारों से बात करते हुए ग्रामीणों ने कहा कि किसानों पर मामला दर्ज कर किसानों के आंदोलन को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पुलिस ने किसानों पर दर्ज के मामले और गिरफ्तार किए किसानों को जल्द ही नहीं छोड़ा तो किसान आंदोलन को उग्र कर दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की है। और जो ये दूध सप्लाई कर रहे हैं और करें इन्हें रोक रहे थे, उन्होंने किसानों के साथ झगड़ा किया और पुलिस ने इस आंदोलन को दबाने के लिए 32 बनगांव के किसानों पर मुकदमा दर्ज कर दिया है। और किसान अभी तो किसानों को पता नहीं लगे पूरा, अभी ये लोग किसान हैं जो रणनीति बना रहे हैं इसके बारे में आगामी कार्रवाई, जो सरकार इस तरह से झूठे मुकदमे दर्ज करके किसानों को दबाना चाहती है, किसान ऐसे नहीं दबेंगे। तब से मिलने के लिए आए हैं हम ताकि ये झूठा जो मुकदमा है इसको कैंसिल किया जाए। तो जो यदि ये मुकदमा कैंसिल नहीं हुआ तो पूरे जिला लेवल पर या पूरे हरियाणा लेवल पर ये आंदोलन होगा। उसके बाद ही हुआ था बालाजी डेयरी है कोई उसके ऊपर, वहाँ उनको कहा था आप दूध की सप्लाई बंद करो, उन्होंने गाली गलौज करना स्टार्ट कर दिया, इनके साथ मारपीट करी और इसी के बावजूद पुलिस ने इन्हें किसानों पे मुकदमा दर्ज कर दिया। क्या गया? 2-3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 6 आदमी पकड़ लिए गए अभी तक। सरकार का मेन उद्देश्य यह है कि इस आंदोलन को किसी तरह दबाया जाए। हिंद एक्सप्रेस के लिए फतेहाबाद से जितेंद्र मूंगा की।